हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी कुछ ऐसे क्रिएचर्स के बारे में है जो दिखने में बिल्कुल डोनट के जैसे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये मिलकर अपनी प्रजाति को एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी शुरू होती है सन 1835 में, जहाँ फेमस साइंटिस्ट डार्विन को एक बिल्कुल नया आइलैंड दिखाई देता है। पता चलता है कि ये आइलैंड कुछ ऐसे एनिमल्स का घर है जिन्हें फ्लमिल्स कहा जाता है, और कुदरत ने इन्हें बहुत ही अलग बनाया है। यहाँ हम दो फ्लमिल्स को देखते हैं, एड जो बहुत ही सीधा साधा है, और उसकी शैतान बहन नोप। पता चलता है कि आज इस आइलैंड पर एक फ्लावर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और इसीलिए एक बुजुर्ग फ्लमिल माली इन दोनों को वार्न करती है कि आज के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एड को बताता है कि उसे फेस्टिवल में एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम मिला है, और वो हर कीमत पर इसे अच्छे से करना चाहता है ताकि क्लैन में उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ सके। ओप भी उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन एड बताता है कि जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो तुम्हारी गलती की वजह से ही हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, और इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आगे उनका लीडर जैप्सन उन्हें इस बार की थीम बताता है, जो कि फ्लावर से बना उसका खुद का एक पुतला है, और कहता है कि हर बार की तरह इसे हम पहाड़ के ऊपर तक ले जाएंगे। तभी पेड़ की डाल पर बैठे दोनों भाई बहन नीचे माली पर गिर पड़ते हैं, और जैप्सन एड को डिमोट करके बीच पर भेज देता है, जहां उसका काम क्रैब्स को हटाने का है। उदास होकर एड काम पर लग जाता है, और तभी वहां ओप को अपनी फ्रेंड वैली दिखती है, जो बहुत बातूनी है। वो तुरंत उसे इशारे से अपने पास बुलाती है, लेकिन वैली के किनारे पर आते ही वहां बड़ी बड़ी लहरें भी आ जाती हैं, जिससे आया सैलाब उनके पूरे फेस्टिवल को तबाह कर देता है। गुस्से में जैप्सन उन दोनों को किनारे से दूर एक चट्टान पर भेज देता है, ताकि फेस्टिवल खत्म होने तक वो वहीं बैठे रहें। एड सबको फेस्टिवल में जाते देख बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी ओप के माइंड में एक आइडिया आता है। वो उसे लेकर उसी पहाड़ पर जाती है और कहती है कि अगर हम कुछ अच्छे फूल तोड़कर फेस्टिवल में ले जाएं, तो वो लोग हमें माफ कर देंगे। वहाँ ओप को एक मिस्टीरियस फ्लावर दिखता है, और वो उसे तोड़ने आगे बढ़ती है। ऊपर एड को डार्विन का शिप दिखाई देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या चीज है। इधर ओप जैसे उस फ्लावर को छूती है, उसमें से एक रोशनी उसे और एड को खींचकर अंदर ले जाती है। एक पोर्टल से होते हुए वो दोनों एक घर में आकर गिरते हैं, और समझ आता है कि ये प्रेजेंट टाइम का शंघाई शहर है। वहाँ वो एक लेडी के वैक्यूम क्लीनर और कुछ चाकुओं से बचते हुए एक रूम में आते हैं, जहाँ उनका सामना क्लैरेंस नाम के एक डॉग से होता है। वो उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागता है, और उससे बचते हुए वो दोनों बाहर सिटी में आ जाते हैं। इस नई दुनिया को देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती है, और तभी एक लड़की टॉय समझकर उन्हें उठा लेती है। वो उन्हें अपने घर ले जाने लगती है, लेकिन तभी क्लैरेंस वहां आकर उसे डरा देता है, और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। क्लैरेंस उन्हें डरा हुआ देखकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, और वो लोग आपस में नॉर्मल हो जाते हैं। तभी उनकी नजर एक शॉप में रखे कुछ डोनट्स पर पड़ती है, और वो उन्हें फ्लमिल समझकर बचाने जाते हैं। तब क्लैरेंस उन्हें समझाने के लिए एक डोनट को खाने लगता है, लेकिन ये देख कर वो बहुत डर जाते हैं और उस डोनट को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। डोनट से निकली सॉस को खून समझकर उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने इसे मार डाला है, लेकिन क्लैरेंस उन्हें बताता है कि ये बस दिखने में उनके जैसा है और असल में एक खाने वाली डिश है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि क्लैरेंस इनके बारे में पहले से जानता है, और उन्हें अपने साथ एक म्यूजियम में लेकर आता है। वहाँ वो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे जानवरों के कंकाल रखे हुए हैं, और तभी उन्हें सामने दो फ्लमिल्स खड़े हुए दिखते हैं। ओप उनसे मिलने के चक्कर में उन्हें तोड़ डालती है, और ये देखकर वो डर जाते हैं। यहाँ क्लैरेंस बताता है कि ये तो बस कुछ फेक मॉडल्स हैं, क्योंकि ये म्यूजियम उन जानवरों का है जो धरती से लुप्त हो चुके हैं। एड और ओप को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, और तब क्लैरेंस उन्हें एक वीडियो दिखाता है। वो देखते हैं कि कैसे डार्विन ने अपने शिप से उनके आइलैंड को ढूंढ निकाला था, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाए, एक वोल्केनो ने पूरे आइलैंड को नष्ट कर दिया। उसे वहां कुछ अजीब से जानवरों के कंकाल भी मिले, और वो समझ गया कि वोल्केनो ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया है। एड शिप को देखकर कहता है कि ये वही चीज है जो उसने गायब होने से ठीक पहले देखी थी, और वो समझ जाते हैं कि ये तबाही उनके वहाँ से निकलने के बाद हुई है। आगे क्लैरेंस उन्हें बताता है कि जिस फ्लावर से वो यहाँ आए हैं, वो असल में ऐसे मैजिकल फूलों में से एक है जो टाइम ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। वो उन्हें अपने मालिक डॉक्टर चंग के बारे में बताता है, जो काफी टाइम से इन फूलों के थ्रू टाइम ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक कहीं गायब
गायब हो गए। फिर वो उन्हें चंग के लैब में रखा ऐसा ही एक फूल दिखाता है और कहता है कि इसमें जाने के बाद उन्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि वो लोग फिर एक पोर्टल से होते हुए एक अलग सी जगह पर आते हैं जहां बीच में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। क्लेरेंस बताता है कि ये टाइम टर्मिनल है, मतलब ऐसी जगह जो स्पेस और टाइम दोनों के दायरे से बाहर है। वो एक चार्ट पर उन्हें समझाता है कि कैसे हर एक पोर्टल हिस्ट्री में किसी दूसरे पोर्टल से जुड़ा हुआ है और चंग ने इन तक जाने के लिए कुछ सीट्स बना रखे हैं। वो कहता है कि उन्हें बस उस सीट को ढूंढना होगा जो उनके आइलैंड के फूल से जुड़ा हुआ है। यहाँ एड को लगता है कि शायद उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर वो भी मारे गए तो फ्लमिल सच में लुप्त हो जाएंगे। लेकिन ओप उसे समझाती है कि उन्हें वापस जाकर अपने लोगों को बचाना होगा और शायद इससे वो उनकी नजरों में हीरो बन जाएं। एड भी मान जाता है और वो दोनों क्लेरेंस के साथ उस सीट को ढूंढने लगते हैं। यहाँ ओप से काफी सारे सीट्स नीचे गिर जाते हैं और एड उन्हें गलती से पोर्टल मशीन पर रख देता है। इतने सारे सीट्स एक साथ रखने से पोर्टल स्क्रीन तेजी से घूमने लगती है और वहाँ एक तूफान सा आ जाता है। एड और ओप किसी तरह खुद को तो बचा लेते हैं लेकिन क्लेरेंस उड़ता हुआ एक पोर्टल में चला जाता है। पता चलता है कि वो एक बर्फीली जगह आ पहुंचा है जहां एक एस्किमो उसे अपने बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। इधर टर्मिनल में ओप और एड का सामना कुछ ऐसे जानवरों से होता है जो रियल लाइफ में लुप्त हो चुके हैं। पता चलता है कि ये सब यहां ग्रुप में रहते हैं जिसमें इनके लीडर डोडो के अलावा बर्नी, आलमा और एक होज नाम का डायनासोर है। डोडो उन्हें बताती है कि कैसे अगर डॉक्टर चंग ने उन्हें नहीं बचाया होता तो वो भी अपनी प्रजाति की तरह मारे जाते और तब से वो यही टर्मिनल में रहते हैं। यहाँ डोडो और उसके साथियों को क्लेरेंस के गायब होने का पता चलता है और एड उन्हें पूरी बात बताता है। तभी ओप कहती है कि वो उसे ढूंढकर वापस ला सकते हैं और इसके लिए उन्हें बस नीचे गिरे हुए सीट्स के पोर्टल में जाना होगा। ये सुनकर वो जानवर हंसने लगते हैं और बर्नी उन्हें बताता है कि इसमें बहुत खतरा है। डोडो भी उन्हें समझाती है लेकिन ओप जबरदस्ती एड को लेकर एक पोर्टल में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो स्टोन एज में आ पहुँचे हैं जहाँ एक जंगली आदमी उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो किसी तरह बचते हुए वापस टर्मिनल में आते हैं लेकिन ओप अभी भी हार नहीं मानती। इसी तरह वो लोग काफी सारे दूसरे पोर्टल्स को ट्राई करते हैं लेकिन क्लेरेंस का कहीं पता नहीं चलता। यहाँ बर्नी अपनी आइसक्रीम वैन में उन्हें दो छोटे टाइम फ्लावर दिखाता है और बताता है कि अगर इनके बीच में किसी भी चीज को रख दिया जाए तो वो गायब होकर एक डिफरेंट टाइम में फिर वापस आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि फाइनली वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां क्लेरेंस फंसा हुआ है और उसे छुड़ाने जाते हैं। क्लेरेंस भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि गायब होने से पहले उसने उनके आइलैंड वाला सीट ढूंढ लिया था। तभी उनकी नजर उसकी चेन्स पर पड़ती है जो काटना उनके बस की बात नहीं है और ओप तुरंत मदद लेने वापस जाती है। थोड़ी ही देर में वो अपने साथ होस को लेकर आती है जो देखते ही देखते वो चेन्स काट देता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाए वहाँ रहने वाले दूसरे डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग किसी तरह उनसे बचकर भागते हैं लेकिन एक डॉग होस के पैर पर काट लेता है और उनके साथ टर्मिनल तक आ जाता है। वहाँ होस किसी तरह उससे पीछा छुड़ाता है और एड इस बात के लिए फिर से ओप को जिम्मेदार बताता है। वो उसे कहता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकती और उसे खुद से दूर जाने को कहता है। उदास होकर ओप क्लेरेंस को बताती है कि शायद वो सही है और मैं ही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। फिर वो उससे सीड लेकर अकेले ही बाकी फ्लमिल्स को वॉर्न करने जाती है। वहाँ ओप देखती है कि वो सब पार्टी कर रहे हैं और वो उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताती है। ये सुनकर काफी सारे फ्लमिल्स डर जाते हैं लेकिन जैप्सन उन्हें बताता है कि हमेशा की तरह ये भी इनकी कोई शरारत है। ओप उन्हें फ्यूचर से लाई कुछ चीजें दिखाती है लेकिन फिर भी वो उसका यकीन नहीं करते। इधर डोडो एड को ओप की रिकॉर्डिंग दिखाती है और बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती थी। एड को भी अपनी पुरानी बातें याद आती हैं जहां वो देखता है कि अकेले रहने में कोई मजा नहीं है और वो अपनी बहन को मनाने जाता है। यहां होज उसे बताता है ओप तो अपने लोगों को वॉर्न करने आइलैंड पर चली गई है और ये सुनकर एड भी उसके पीछे जाता है। उधर आइलैंड पर हम ओप को देखते हैं जो अभी भी उन्हें समझाने में लगी है और तभी वहाँ क्लेरेंस आता है। ओप उससे मदद मांगती है लेकिन वो बताता है कि तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा तो मैं खुद हूँ और यह कहकर गुफा से बाहर चला जाता है। ओप भी उसके पीछे जाती है और तभी क्लेरेंस गुफा के दरवाजे को ब्लास्ट कर देता है। इससे सभी फ्लमिल्स अंदर ही फंस जाते हैं लेकिन ओप धमाके से बाहर आ गिरती है।
तभी क्लैरेंस वहां आकर उसे पेड़ से बांध देता है और उसके पूछने पर अपनी असलियत बताता है। वो कहता है कि थोड़े टाइम पहले तक फ्लमिंग्स भी इंसानों के बीच रहा करते थे और वो इतने पॉपुलर थे कि कोई भी डॉग्स पर ध्यान नहीं देता था। सब लोग उन्हें ही पेट बनाना चाहते थे और इस वजह से मैं बहुत अकेला रह गया। फिर एक दिन डॉक्टर चंग ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मैं उनके साथ उनके एक्सपेरिमेंट को एंजॉय करने लगा। हम लोगों ने बहुत सारे एडवेंचर किए और फिर एक दिन हम फ्लमिंग्स की आइलैंड पर आ पहुंचे। ये वही दिन था जिस दिन डार्विन ने इस आइलैंड को ढूंढा था और फिर उन्हें पेट के रूप में पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। डॉक्टर चंग को भी फ्लमिंग्स बहुत पसंद आए और मैं समझ गया कि जल्द ही कोई फ्लमिंग मेरी जगह ले लेगा और इससे नाराज होकर मैंने चंग को एक अनजान पोर्टल में भेज दिया और उसके सीड्स को भी नष्ट कर दिया ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। फिर मैं वापस आइलैंड पर आया और अपने एक डिवाइस की मदद से वोल्केनो को एक्टिवेट कर दिया जिससे डार्विन के ढूंढने से पहले ही सभी फ्लमिंग्स मारे गए। फिर वो कहता है कि सारा प्लान सही चल रहा था लेकिन तभी तुम दोनों आइलैंड से बचकर बाहर निकल आए। आगे वो उसे बताता है कि कैसे वो फिर से उस वोल्केनो को एक्टिवेट करने वाला है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर टर्मिनल में डोडो और उसके दोस्तों को एक वीडियो से पता चलता है कि गायब होने से पहले डॉक्टर चैंग सन 1417 में जा रहे थे ताकि एक एक्सप्लोरर जैंग के साथ किसी मिशन पर जा सके। यही उन्हें क्लैरेंस की असलियत पता चलती है और वो डॉक्टर चैंग को वापस लाने का प्लान करते हैं। डोडो सन 1418 का एक सीड निकालती है जो उसी जगह है जहाँ जैंग का मिशन जाने वाला है और फिर एक रेडियो को उसमें भेजने को कहती है ताकि उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर चैंग टाइम फ्लावर को ढूंढकर वापस आ सके। इधर एड भी आइलैंड पर आता है जहां ओप उसे सारी सच्चाई बताती है और वो कुछ क्रैब्स की मदद से उसे आजाद करा लेता है। उधर क्लैरेंस वापस टर्मिनल में आकर आइलैंड वाले सीट को नष्ट करने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर वहां रखे कैलेंडर्स पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि फ्लमिंग्स अभी भी जिंदा है। वो वापस आइलैंड पर जाता है जहां वो दोनों अपने दोस्तों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां हम देखते हैं कि वो अपने साथ पुराने जमाने से एक साइक्लोप लेकर आया है जो एड और ओप को खाने लगता है। तभी बर्नी वैन में अपने दोस्तों के साथ आकर उन दोनों को बचा लेता है। इधर वो देखते हैं कि एक आंख होने के कारण साइक्लोप्स का निशाना कमजोर है और वो इसका फायदा उठाकर उससे गुफा के पत्थर हटवाने लगते हैं। जल्दी ही मलबा ढहने से साइक्लोप पत्थरों के नीचे दब जाता है और क्लैरेंस भी पहाड़ी से नीचे जा गिरता है। उनके फ्रेंड आजाद हो जाते हैं और जैप्सन उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ एड उन्हें उस बॉम्ब के बारे में बताता है और तभी वो डार्विन के शिप को आते हुए देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये शिप ही उन्हें बचा सकता है और वो तुरंत होस की मदद से सबको पहाड़ से नीचे उतारते हैं। वो बर्नी के लाए हुए फायर क्रैकर से शिप का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं लेकिन एक रॉकेट सीधा शिप से जा टकराता है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। तभी वो साइक्लोप्स आजाद होकर एड और ओप को जाता है। वो अपने मुंह के अंदर दोनों की बातें सुनता है और इमोशनल होकर उन्हें बाहर निकाल देता है। वो लोग समझ जाते हैं कि शिप बॉम्ब फटने से पहले उन्हें नहीं बचा पाएगा और तभी ओप को एक आईडिया आता है। वो साइक्लोप को उन्हें टाइम फ्लावर की ओर उछालने को कहते हैं ताकि उसके थ्रू वो सभी को यहाँ से कहीं दूर ले जा सके। आगे हम उन दोनों को फ्लावर के साथ बीच की ओर जाते हुए देखते हैं लेकिन तभी क्लैरेंस वहाँ आ जाता है। उससे बचते हुए वो एक घाटी में गिर पड़ते हैं जहाँ एड को एक और आईडिया आता है। वो तुरंत बर्नी की वैन से वो छोटे टाइम फ्लावर्स निकालता है और कहता है कि वो बर्नी की सिखाई ट्रिक आजमाने वाला है। उधर उनका पीछा करता क्लैरेंस ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसमें अटक कर उसके साथ ऊपर चला जाता है। इधर वो दोनों बड़े टाइम फ्लावर को छोटे फ्लावर के बीच में रखते हैं और तभी वहाँ एक धमाका होता है। डार्विन और उसका कैप्टन देखते हैं कि अचानक से वो पूरा आइलैंड वहाँ से गायब हो गया है। आगे का सीन उसी जगह पर किसी दूसरे टाइम का है जहाँ हम एक क्रूज को देखते हैं। पता चलता है कि इस पर डार्विन और उसके कैप्टन के ही वंशज हैं जो देखते हैं कि वहाँ अचानक से एक आइलैंड आ गया है और उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इधर आइलैंड पर सब एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी क्लैरेंस किसी तरह बचकर वहाँ आ जाता है। इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुँचाए डॉक्टर चेंग भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है। आगे के सीन में एक न्यूज रिपोर्ट बताती है कि फ्लमिंग्स को फिर से ढूंढ लिया गया है और अब वो इंसान के सबसे फेवरेट पेट बन गए हैं। डोडो और उसके फ्रेंड भी उसी आइलैंड पर रहने लगे हैं। इधर हम देखते हैं कि एड और डोडो की शादी हो चुकी है और उनका एक बेबी आने वाला है। एंड सीन में हम देखते हैं कि क्लैरेंस को सजा के रूप में फिर से उस बर्फीले टाइम में भेज दिया जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।